नमो नमः राष्ट्रीयमुक्तविद्यालयीयशिक्षासंस्थानस्य संस्कृतसाहित्यकक्षायां भवतां भवतीनां च स्वागतम् अद्य वयम् उत्तर्रामचरितस्य चित्रदर्शनम् इत्यंशं पठिष्यामः अध्यायः पञ्चदश वर्तते पूर्वकक्षायां रामेण नश्च लक्ष्मणेन वर्णितं चित्र दर्शनं अस्माभिः पठितम् संप्रति ततः अग्रे यत् अवशिष्टं अंशं आसीत् तत् पठिश्यामः पाठे अस्माभिः रामसीता लक्ष्मणाह विवाहात् परम् अयोध्यायां कथं स्थिताः आसन इति आलोचितम् विराधवृत्तान्तः मन्थरावृत्तान्तः गुहसाक्षात्कारः इत्यपि वयं पठितवन्तः अस्मिन् पाठे प्रथमतः चित्रमध्ये रामलक्ष्मणयोः जटासंयमनवृत्तान्तं पश्यति तदनु वनमार्गेण गमनकाले तैः यत् प्राकृतिकसौन्दर्यम् अवलोकितं तस्य चित्राणि ते पश्यन्ति प्रसङ्गेऽस्मिन् नदी, श्यामनामकः वटवृक्षः प्रस्रवणनामकः पर्वतः विन्ध्यारण्यम् इत्येतेषां चित्रदर्शनं अस्मिन् पाठे वर्तते तत् अस्माभिः पठिष्यते अस्य पाठस्य उद्देश्यानि सन्ति रामस्य सीतायाश्च कांश्चन विशेषगुणान् ज्ञातुं शक्नुयात् भागीरथीं श्यामवृक्षप्रस्रवणपर्वतं विन्ध्यारण्यं च जानीयात् पुनः सीतारामयोः सुदृढं प्रेम जानीयात् छन्दसां लक्षणानि अवगच्छेत् श्लोकानाम् अन्वयं प्रतिपदार्थादिकं च अवगच्छेत् दीर्घानां पदानां विग्रहवाक्यं समासं च वोढुं छात्राः समर्थाः भवेयुः इत्यवधेयं यथा पूर्वतनः प्रसङ्गः आसीत् तथैव सम्प्रत्यपि वयं कुर्मः तत् आचरामः आदौ मूलपाठं पठिष्यामः अनन्तरं तेषां प्रतिपदार्थानाम् अर्थम् अवगच्छामः ततः व्याकरणांशान् पठिष्यामः सीता अहो एष जटासंयमनवृत्तान्तः लक्ष्मणः पुत्रसङ्क्रान्तलक्ष्मीकैर्यद्वृद्धेक्ष्वाकुभिर्वृतं धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकवृतं सीता एषा प्रसन्नपुण्यसलिला भगवती भागीरथी रघुकुल देवते नमस्ते नमस्कार करते हुए कहते हैं तुरग विचय व्यग्र नुर्विद सागराधरे कपिलमहसा रोषा पितुश्च पिता पिताम अगणितनूतापस्तानसी भागीरथो भगवती तव स्पृष्टानदि चिरादुतरी तरत साम्ब स्नुषायाम अरुंधतीव सीतायाम शिवानुध्याना भव प्रत्येक पदार्थ को हम देखेंगे अन्वय के सहित सीता कहती हैं अहो आश्चर्यम यह तो आश्चर्य की बात है इस जटा संयमन वृत्तांत यह जटाओं को संयमित करने का वृत्तांत दिखाई पड़ रहा है जब राम वन गमन कर रहे थे तो जब वटवृक्ष के नीचे उनका वास होता है तो वटवृक्ष से वट के दुग्ध को मंगा करके और अपने जटाओं को ऋषियों की तरह महात्माओं की तरह वह इकट्ठे करते हैं तो यहाँ से जटा संयमन वृत्तांत आरंभ होता है वही सीता कह रही हैं चित्र को देख के अहो आश्चर्य है यहाँ संयमित की जा रही हैं जटाओं का संयमन किया जा रहा है लक्ष्मण कहते हैं पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई पुत्रान आश्रिता लक्ष्मी श्री येषा तैय वृद्धेक्षाकुभि अर्थात पुत्रों को आश्रित की हुई हैं श्री जिसकी ऐसे कुल ऐसा कुल कौन है तो कहा वंश तो वृद्धेक्षाकु भी जो वृद्ध इक्श्वाकु हैं वंश के जो पूर्वज हैं उन वंश उत्पन्न नहीं वंश में उत्पन्न होने वाले जो राजा उन लोगों के द्वारा धृतम यद आरण्यक व्रतम रघुवंश की विशेषता रही है उसमें कहते हैं कि प्रथम वंश प्रथम अवस्था में वह विद्या का अध्ययन करते हैं द्वितीय अवस्था में वह ऐश्वर्य का भोग करते हैं और तृतीय अवस्था में मुनिवृत्ति का ग्रहण करते हैं और चौथी अवस्था में योगे नानते तनुत्यजाम में योग के द्वारा अपने तनु का त्याग करते हैं शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषय वार्धक्य मुनिवृत्ती नाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम लक्ष्मण कहते हैं इच्छाकुवंशीय राजाओं की यह जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह जो आरण्य का व्रत है अरण्य में निवास करने का जो वानप्रस्थी व्रत है वह व्रत राम ने द्वितीय अवस्था में ही ग्रहण कर लिया जिस अवस्था में ऐश्वर्य का भोग करना है राज्य का संचालन करना है उस अवस्था में ही वानप्रस्थ व्रत आर्येण रामेण आचरित गृहित बाल्य अवस्थायामेव अंगीकृत ऐसा लक्ष्मण उस चित्र को देख करके कह रहे हैं सीता ऐसा इयम प्रसन्न सलीला निर्मल पवित्र जल पूर्णा यह निर्मल पवित्र जल वाली पवित्र जल से पूर्ण भगवती भागीरथी गंगा हैं इन्हें देखिए यह कलकल ध्वनि -कल वाली भगवती भागीरथी हैं राम कहते हैं रघुकुल देवते भगवती नमस्कार तुभ्यम हे रघुकुल की देवता जो रघुवंशी राजा हैं उनकी ये देवता हैं पूज्य हैं हम तुमको नमस्कार करते हैं चित्र को देख करके ही राम भगवती गंगा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे भगवती भागीरथ अस्मत्पूर्वज हे भगवती देवी जो भगीरथ हैं जिन्होंने यह अथक प्रयास किया स्वर्ग से धरती पर अवतरित करने का आपको वो हमारे पूर्वज हैं अस्मत पूर्वज है इसीलिए उन्होंने कहा रघुकुल देवता संबोधन किया कि हे रघुकुल की देवता अगणित तनु ताप असंख्य शरीर के तापों का शमन करने वाली उपेक्षित देह दुख सन तपांसी तप्वा तपस्या कृत्वा तव भव्या अद्भि जल स्पृष्टान आमृष्टा अनेक शरीरों के ताप को दूर करने वाली हे भगवती तपस्या कृत्वा अनंत काल तक तप करने के बाद आपके जल से स्पर्श पाकर के सगराध्वर्य सगर के यज्ञ में जिनका अश्व खोज करने के लिए जब शगर के पुत्र जाते हैं और अश्व का अन्वेषण करते करते नहीं पाते और वो समुद्र का खात बना देते हैं धरती को खोदते खोदते वह महर्षि कपिल के आश्रम जाते हैं और कपिल को अश्व का अपहर्ता मानकर उन्हें पीड़ित करते हैं और उनके शाप से सब के सब भस्मीभूत हो जाते हैं तो ऐसे हमारे जो पूर्वज थे उनको आपने पवित्र किया वो सब के सब आपका जल पा करके उनका जल ही स्पृष्टान आमृष्टान सगराध्वरे सगरे यज्ञे दुर्ग अश्वस्य अस्वस्थ अन्वेषणे व्यग्रान उर्वी उर्वीभिद अर्थात पृथ्वी का भेदन करने वाले रोषात क्रोधात कस्य क्रोधात कपिल महसा कपिल मुनि के तेज से जो भस्मी भूतान अस्माकम पूर्वजान जो हमारे पूर्वज हैं पिता जनकस्य पिता महान सागरात्मजान पिता जो जनक हैं उनके पिता महादि सागर के आत्मजादि पूर्वज आदि चिरात बहुसमयात उदती तरत अर्थात उद्धारयामास हे भगवती आपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको कैसे पूर्वज तो अगणित असंख्य ताप से तप्त तपस्या के द्वारा भी तप्त थे और सगर के यज्ञ में जब अश्व का अन्वेषण कर रहे थे और महर्षि कपिल के तेज से सबके सब, सब भस्मीभूत हो गए थे उनको आपके जल ने जिस प्रकार से मोक्ष प्रदान किया उद्धार प्रदान किया एक आप प्रणम्य हैं पूर्व में ही कहा नमस्तुभ्यम हम आपको प्रणाम करते हैं साम भवती अम्ब हे माता स्नुषायाम वध्वाम सीतायाम अरुंधति वशिष्ठ पत्नी इव शिवानुध्याना मंगल चिंतन पराभव हे देवी हे माते आपकी जो यह स्नुषा है आपकी जो यह वधु सीता है इसके प्रति आप अरुंधती पत्नी वशिष्ठ के समान हो जाइए अर्थात जिस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति इनके कल्याण की कामना करती हैं इनके भद्र की कामना करती हैं उसी प्रकार आप भी इनका मंगल चिंतन करने वाली होइए ऐसी प्रार्थना भगवती गंगा से राम करते हैं इस अनुच्छेद में कुछ दृष्टिगत करते हैं हम व्याकरण के अंश को जैसे पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई ही यह पद है इसमें समास करेंगे तो पुत्रेशु संक्रांता पुत्र संक्रांता ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और पुत्र संक्रांता लक्ष्मी ही ये शाम, ही ही समास हो जाएगा ये शाम ते पुत्रक्रांतल ते लक्ष्मी, कह, ही लक्ष्मी कई ही आक अरण्य भवाहा इस भव अर्थ में अरण्य शब्द से वुं प्रत्यय होता है और वु को अक आदेश होता है तो आरण्यक यह पद निष्पन्न होता है और आरण्यक शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो आरण्यकम अरण्य भवाहा आरण्यकम पुनः तुरग विजय व्यग्रान आरण्यक क्या है आरण्यक अर्थात वन वन में होने वाला जो कुछ भी होगा वह आरण्यक कहा जाएगा तुरग विचय व्यग्रान तुरगेण तुरेण तुरगः अर्थात तीव्र गति से जो जाता है वह तुरग कहा जाए तो तुरग कौन है अश्व तुग अश्व तचय तुरग विचय तुरग विचय षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और तस्मिन व्यग्रान तुरग विचय व्यग्रान तुरग विचय व्यग्रान यह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा पहले षष्ठी तत्पुरुष फिर सप्तमी तत्पुरुष और उसके पूर्व में तुरेण ग्छती तुरग यह उत्पत्त करेंगे ऐसे ही उदती तरत उत्पूर्वक त्रिधातु है तरण करने अर्थ में उससे प्रत्यय करेंगे और उसके बाद लुंग लकार में रूप बनाएंगे तो उदती तरप यह रूप बनेगा छंद हम देखेंगे तुरग विचय व्यग्रान इसमें हरिणी छंद है जिसका लक्षण आप देख रहे हैं संप्रति हम मूल पाठ देखेंगे लक्ष्मण एष भरद्वाज वेदित चित्रकूटयायिनी वर्त्मनि वनस्पति ही कालिंदी तटे वट श्यामो नाम रामः सस्पृशम् अवलोकयति रामः सस्पृहम् अवलोकयति सीता स्मरति वा तं प्रदेशम् आर्यपुत्रः रामः अयि कथं विस्मर्यते अलसललितमुग्धान्यध्वसम्पातखेदा मृडालीर पीमृदित मृणादुर्बला मम कृ यद्रावाता लक्ष्मण हम प्रत्येक पदार्थ को देखते हैं लक्ष्मण कहते हैं हैंष अरद्वाज वेदि मुनिना भरद्वाजन विज्ञापितः यह महर्षि भरद्वाज के द्वारा विज्ञापित बताया गया चित्रकूटयायिनी अर्थात चित्रकूट, अर्था चित्रकूट पर्वताभिगामिनी वर्तमनी मार्गे वनस्पति ही। चित्रकूट मार्ग के तरफ चित्रकूट की तरफ जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग में वर्तमान अर्थात मार्ग में मार्गे अवस्थित हा, जो वृक्ष उसमें अवस्थित वृक्ष है वनस्पति ही। कालिंदी तटे कालिंद्या कालिंदी नंद्या तीरे वट श्यामो नाम वृक्ष कालिंदी तट अर्थात यमुना नदी के तट पर अवस्थित श्याम नाम का वृक्ष है जिस वृक्ष का नाम है श्याम और वह वृक्ष है वट का वट वृक्ष है राम कहते हैं राम हा सस्पृह सोत्क अवलोकयति पश्यति राम उसको स्पृहा के साथ अर्थात उत्कंठा के साथ उस चित्र को देखते हैं सीता कहती हैं आर्यपुत्र तम प्रदेशम स्मरती वा हे आर्यपुत्र क्या आप इस स्थान का स्मरण कर रहे हैं यह स्थान आपको याद आ रहा है राम कहते हैं अई कथम न केन प्रकारेण विस्मर्यते कैसे इस स्थान को भूला जा सकता है यत्र जहां पर यस्मिन प्रदेशे तुम संपात खेदात इस स्थान पर तुम संपात खेदात मार्ग में चलने के कारण खेद से थकान से मार्ग गमन परिश्रमात् मार्ग में चलने के कारण जो परिश्रम हुआ था उस परिश्रम के से आलस ललित मुग्धानी आलस्य से युक्त हो गई थी लल, ललितानी मुग्धानी, अर्थात जो कोमल सुंदर तुम्हारे, असिथिल परिरंभ ही गाढ़ा लिंग नहीं दत्त संवाहनानी अर्थात तुम थक गई थी तो हमसे हमारे शरीर को पकड़ करके वहां पे रुक चुकी थी वहाँ अवस्थित हो गई थी स्थित हो गई थी और कृतमर्दनानी आलिंगनानी बहुत समय तक हमें पकड़कर तुम खड़ी रह गई थी पुनश्च परिमृदित मृणाली दुर्बला ताह मृणाल्य ताइव दुर्बला कृषा जैसे कमल के मृडाल को कमल के नाल को कोई परिमर्दन कर दे तो वह दुर्बल हो जाता है कृष हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारे अंग भी तव शरीरांगानी शरीरा वयवान तुम्हारे शरीर के अवयव भी मम उरसी वक्षे कृत्वा निधाय निद्राम स्वाप अवाप्ता, अर्थात थकान के कारण तुमने अपने शेर को हमारे वक्षस्थल पर रख करके और निद्रा को प्राप्त कर गई थी सो गई थी भला कैसे यह स्थान हमें स्मरण नहीं रहेगा पुनः भरद्वाजा वेदित हम इस अनुच्छेद के कुछ पदों को देख रहे हैं जिन्हें व्याकरण की दृष्टि से एक दृष्टिपात करेंगे कि भरद्वाजा वेदिता भरद्वाजेन आवेदिता भरद्वाजा वेदिता अर्थात महर्षि भरद्वाज के द्वारा बताया गया यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है चित्रकूटयायिनी चित्रकूट याती चित्रकूटयायी चित्रकूट को जाने वाला जो है वह चित्रकूटयाई है और तस् चित्रकूटयायिनी उसमें चित्रकूटयायिनी अर्थात चित्रकूट मार्ग में वनस्पति वन वनस्य अथवा वनानाम पति वनस्पति गण में पठित होने के कारण इसमें सुट का आगम हो जाता है इसमें हमने जो श्लोक पढ़ा है उसमें मालिनी छंद है न न मय युते यम मालिनी भोगलोक ही यह इसका लक्षण है तो इस प्रकार से हमने इन अनुच्छेद के अनेक वाक्यांशों को और श्लोकों को पढ़ा शेष भाग इस अध्याय का हम इसी के द्वितीय भाग में पढ़ेंगे धन्यवाद